स्टेबल MIUI 10 पोको एपॉइंट डिवाइस के लिए आ चुका है। तो इसके व्हाट्स न्यू में क्या है ये आपको नहीं बताऊंगा, पर हमें क्या चाहिए था पोको एपॉइंट डिवाइस में MIUI 10 में, और शाओमी ने हमें MIUI 10 में क्या दे दिया इसके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि हमें यहाँ पे न्यू AI बेस्ड UI देखने को मिलता है, पर हमें जो चाहिए था वो शाओमी कम्प्लीटली भूल चुका है, तो आगे ज़रूर देखना। दोस्तों अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इस बेल को भी प्रेस करिए अपनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्विक सेटिंग पैनल में ऊपर के साइड में हमें क्लॉक और डेट देखने को मिलता है, उसका कलर शाओमी ने यहाँ पे ब्लैक किया है, उसकी वजह से सनलाइट में ये हम देख ही नहीं सकते, तो बैकग्राउंड में कोई भी व्हाइट वाला कलर आता है उसके बाद ही ये दिख जाता है, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, शाओमी ने इसे व्हाइट करना चाहिए था। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बैटरी परसेंटेज की, तो फाइनली बैटरी परसेंटेज तो हमें मिल चुका है, पर जब हम बैटरी परसेंटेज यहाँ पे एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पे बैटरी का जो आइकन है वो हॉरिजेंटल होता है और उसके बीच में यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो होता है, ये भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, वर्टिकल स्टाइल में और उसके अंदर बैटरी परसेंटेज होता है तो ये काफ़ी सही बात होती, पर यहाँ पे ये हॉरिजेंटल स्टाइल में आने के बाद जो साइड वाला सिग्नल बार है ये थोड़ा सा नॉच के पास बहुत ही पास आता है, ये भी थोड़ा सा मुझे अजीब देखने को मिला। बहुत सारे हमारे पोको फोन यूजर्स को और एक प्रॉब्लम आ रहा है नॉच का, तो आप जब भी हाइड नॉच करते हो तो यहाँ पे नॉच ओवर द डिस्प्ले हो रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे लाइन हमें नीचे देखने को मिल रहा है, हालांकि ये प्रॉब्लम मेरे को नहीं आ रहा पर हमारे बहुत सारे यूजर्स को देखने को मिल रहा है। इस अपडेट में शाओमी की टीम ने पोको थीम में चेंजेस किए हैं, जैसे कि हमें पोको थीम में पहले स्टॉक एंड्रॉयड के नेविगेशन कीज देखने को मिलते थे, पर यहाँ पे हमें डिफॉल्ट MIUI की कीज देखने को मिल रही है, तो हमें पहले पोको थीम में स्टॉक एंड्रॉयड जैसा फीलिंग आता था तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे चला गया है। और शाओमी ने प्रॉमिस किया था कि हमें नेक्स्ट अपडेट में स्टेटस बार में नोटिफिकेशन आइकन शो होने का ऑप्शन मिल जाएगा या शो हो जाएंगे, पर इस अपडेट करने के बाद यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आइकन स्टेटस बार में शो नहीं होता है, हालांकि डेवलपर रॉम में ये ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। पोको एफोन डिवाइस पे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हमें प्रीवियस अपडेट में सेंसिटिव टच या सेंसिटिव डिले का यहाँ पे बग देखने को मिल रहा था, पर ये अपडेट करने के बाद ये बग कम्प्लीटली यहाँ पे रिमूव कर दिया है। हालांकि नेटफ्लिक्स अभी भी मेरे प्ले स्टोर में इजंट कंफर्टेबल डिवाइस ऐसा आता है, इसकी वजह से मैं डाउनलोड नहीं कर सकता। और बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो पबजी इस अपडेट करने के बाद मेरे फ़ोन में तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, पर दोस्तों बहुत सारे यूजर्स के फ़ोन में ये लैग हो रहा है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे पोको फोन डिवाइस में इस अपडेट करने के बाद बैटरी ड्रेन का इशू स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं लगभग 20 मिनट तक पबजी खेला, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम आप देख सकते हो और 100% से बैटरी है इतना ही डिस्चार्ज हो चुका है। उसके बाद भी आपको कुछ बग्स दिखते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता।